सो गाइज वो देखिए माता रानी की पूजा आज हमने की है, सेम डे है नवरात्रि का पहला दिन, शाम का टाइम है और देखिए लौ कितने अच्छे से जल रही है अखंड ज्योत, तो अच्छा लग रहा है। और ये देखिए अनाया को स्कूल से एक होमवर्क मिला था, ये सब करना था, वो सब कर लिया अच्छे से, तो अनिमेश कुछ रिवार्ड लेके आया। यस बट अनाया विल टेल, अनाया व्हाट इज दिस? स्क्रल। एंड व्हाट इज दिस? रेक्टेंगल। व्हाट इज दिस? ट्रायंगल। दिस? पेंटागन। दिस? हेक्सागन। दिस? सर्कल। हाउ मेनी साइड्स आर इन दिस? फोर। हाउ मेनी साइड्स आर इन दिस? फोर। हाउ मेनी साइड्स आर इन दिस? Three. How many sides are in this? Five. How many sides are in this? Six. And this? Zero. Yes. This square is of which size? 20 centimeter. 20 centimeter. 20 centimeter. This side is also of? 20 centimeter. Yes, because she had to draw. This one 20 centimeter. This one 20 centimeter. This one 20 centimeter. This one 10 centimeter. Yes, 10 centimeter is radius. Radius. And 20 is the diameter from here to here. Very good. Very good. तो विच वन यू वांट? लुक अनिमेश कुछ रिवार्ड ला है, जो भी अच्छा मतलब करेगी, काम करे चाहे पढ़ाई करे, तो कुछ कुछ ऐसे मिलेगा। अनिमेश को एक्चुअली वहाँ पे स्टिकर लेना था, स्टिकर्स देते ये लोग, स्टिकर्स कलेक्ट करते, बट इनको शायद कुछ और बोल के दे दिया, ये वो स्टैम्प है। अनिमेश ने सोचा विच वन यू वांट? एक्सेलेंट, गुड जॉब, फर्स्ट प्राइज, हैप्पी, परफेक्ट, वेरी गुड, इंग्लिश स्टार, इम्प्रूव्ड, कम ऑन, सो आई थिंक यू शुड गेट एक्सेलेंट, यू नो दिस लाइक दिस, वेरी गुड अनाया। कैसा लेके आ गए? आपको लगता है बेवकूफ बनानी है? कुछ निकल ही नहीं रहा है, बट स्टिकर लेके आना। आप जाते हो तो यही सब होता है। अब नव फिर रोएगा, नव रोया है, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, क्या उठा के ले आए? लेट मी डू अनदर गुड जॉब, देखे जरा होता है कि नहीं। ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, कुछ अलग ही दे दिया आपको। अच्छा वो हाथ पे लगाने वाला नहीं है, वो पेज पे देने वाला, अगर कुछ अच्छा काम किया तो पेज पे दो, तो पेज पे लेना आप। गुड जॉब, वेरी गुड। बट आप स्टिकर्स ले आना इन लोगों को, इनको स्टिकर्स कलेक्ट करने में अच्छा लगता है। वो स्टिकर बोल के ही दिया मालूम है, आई थॉट कि इसके अंदर स्टिकर से छोटा छोटा छोटा, मुझे भी वही लगा जब आप लेके आए थे, नहीं तो मैं खोलने नहीं देती, बोलती कि वो नहीं है। चलो डन है फर्स्ट, यस वेरी गुड, ओके फर्स्ट प्राइज, ओह वेरी गुड, ओह माय गॉड, दिस इज अ कप, विनर कप, दिस इज चेक्ड, दिस इज जस्ट अ चेक्ड, इट्स फॉर द टीचर नॉट फॉर यू गाइस। सेम डे ही है, पहले दिन की नवरात्रि, शाम का टाइम है, अभी हम लोग जा रहे हैं आरती करने के लिए, और आज मैं फास्टिंग में हूँ, मतलब पूरे नवरात्रि फास्टिंग में ही रहूंगी, तो जो मैं व्रत का आटा वगैरह लेके आई थी, तो आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया अपने लिए। पूजा के बाद मैंने एक एप्पल खाया था, शाम में मैंने सोचा था कुछ बनाऊंगी, बट आज नहीं बनाऊंगी, आज पहला दिन, आज मैं ऐसे ही रह जाती हूँ फ्रूट पे ही, कल देखती हूँ, अगर कल कुछ व्रत वाला कुछ बनाऊं बड़े वगैरह या कुछ भी, तो कल देखूंगी। और अगर खीर वगैरह भी बनाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसमें चीनी नहीं डालूं या बहुत कम डालूं, साबूदाना की खीर या मखाने की खीर अगर बनाती हूँ तो, और ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगी कि मखाने भून के खा लूं या पीनट्स वगैरह भून के खा लूं, क्योंकि इस बार मैं सोच रही हूँ मतलब खाना पीना थोड़ा ज्यादा हो गया इंडिया से आने के बाद भी, और जब इंडिया गई थी तब भी बहुत ज्यादा हो गया था, उससे पहले मैं कितना अच्छा डाइटिंग वगैरह कर रही थी तो वेट लूज भी किया था, फिर अचानक से खाना पीना सब शुरू किया तो बढ़ भी गया था, तो अच्छा है ना कि मतलब एक आदत फिर से वो लग जाएगी तो सही रहेगा, तो वो चीज है, तो देखती हूँ क्या होता है। तो चलिए फिर अभी आरती करेंगे, उसके बाद ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा अभी कल तक।
गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे, आज डे टू है नवरात्रि पूजा का और वाइट वाइट पहनना था आज सबको। वाइट कपड़े हमने ड्राई क्लीन के लिए दिया था, उन्होंने ये सारे कपड़े दिए ही नहीं। तो आज अनिमेश ने कॉल किया, तब वो बोल रहे थे कि शाम में होगा। अनिमेश ने बोला नहीं मुझे अभी चाहिए, मैंने बोला कि नहीं बोलो अभी देने के लिए, तो उन्होंने बोला एक घंटे में आके ले जाओ, तो अनिमेश को खुद जाना पड़ा। वैसे वो घर पर डिलीवर कर देते हैं, तो जाके लेके आए मेरा वाइट, उनके वाइट, सब कुछ। बाकी कपड़े भी दे दिए, जबकि हमने बोला था ये सब नहीं भी दोगे तो आप चलेगा, कम से कम वाइट वाले आ जाते। तो आ गए कपड़े, अभी झाड़ू में नहा के पूजा करने। जय माता दी गाइस, नहा के आ गई मैं और अभी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये जो कल वाले फूल हैं इन सबको हटा के रख लूँगी मैं, मतलब मैं ये सारे फूल जमा करती हूँ, जितने दिन भी पूजा होगी सारे फूल जमा करूँगी मैं। और ये जो पान के पत्ते, दूबी, सुपारी वगैरह है, इनको चेंज नहीं करती, फूल तो डेली चेंज होते। ये जो माता रानी को हम यहाँ से विदा करेंगे उसी दिन ये हटेंगे। तो ये है और माता रानी के आसपास से भी जो मैं फूल वगैरह हटाती हूँ, तो ऐसे हटाती हूँ कि माता रानी को मैं ज़्यादा मतलब टच ना करूँ। कहा जाता है ऐसा कि अगर माता रानी को ऐसे हिला दो तो फिर माता रानी चली जाती हैं। तो वो हमें जब पूजा ख़त्म हो जाती है हवन के बाद हम माता रानी को विदा करते हैं उस तरह से। तो माता रानी अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए कि उनको ज़्यादा मतलब इधर उधर ना डुलाएँ। और वो जो आम के पल्लव है वो भी अभी कलश में ही रहेगी, जब कलश हटाएंगे तब वो हटेगी, तो वो धीरे धीरे सूख जाएगी ऐसे ही। अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, अनिमेश ने बस पैजामा चेंज कर लिया है, कुर्ता वही है। मैं बता दी हो गई नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा, और जो हमारे काम करने आती हुए हैं अभी किचन में बर्तन वगैरह धो रही है, तो इसीलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब आप अखंड ज्योत जलाते हो घर में नवरात्रि की पूजा करते हैं, तो ऐसे घर को खाली छोड़ के नहीं जाया जाता, तो वो अभी हैं घर में इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। वैसे अगर इतनी अर्जेंसी आ जाए कि घर में मतलब कोई नहीं है, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ कोई नहीं है, अगर ऐसे कुछ हो कि निकलना पड़े तो कुछ ही नहीं कर सकते। भगवान जी तो सब समझते हैं, माता रानी को सब पता है। तो जैसे जॉइंट फैमिली होती है, सब लोग एक साथ होते हैं, तो उसमें चलो कोई है तो ऐसा, अगर ऐसा कुछ हो गया तो निकलना ही पड़ेगा।
बट अभी फिलहाल वो काम कर रही है, वो रहेंगी तो हम लोग निकल के जा रहे हैं, आते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज हम मीना बाजार आ गए हैं और इस टाइम में टाइम लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक बहुत थी, तो अब तो पहुंच गए। एक्चुअली हमें पार्किंग नहीं मिली तो 20 दिराम घंटे वाले में लगा के आए। अब तो जल्दी से जाएंगे, सामान लेंगे, भागेंगे। देखिए निमेश कहाँ खोए हुए हैं फ़ोन पे। मैंने जल्दी जल्दी भाग के काम किया जिस काम से आई थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। मैं टाइम लगा सकती थी कि मेरा मन था एक दो दुकान और घूमूं, लेकिन क्योंकि देखिए 20 दिराम वाले में गाड़ी पार्क हो गई। मैंने सोचा जितने का सामान नहीं लूँगी उससे ज़्यादा तो पार्किंग में चली जाएगी, अगर एक घंटे से थोड़ा सा भी ऊपर हो गया तो इसीलिए 40 दिराम पार्किंग का सही नहीं था पे करना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सामान लिया और अभी घर जा रहे हैं। सो गाइज हम लोग घर आ गए। हम लोग गए थे एक काम से, एक्चुअली मुझे एक ड्रेस लेनी थी, थोड़ी हैवी ड्रेस। क्यों लेनी है ये मैं आपको कुछ दिन के बाद बताऊंगी, तो उसी के लिए गए थे। मेरे पास बहुत हैवी कोई भी सूट या ऐसे कोई ड्रेस नहीं है, मतलब एक मैंने नवनिया के बर्थडे में पहना था, इस लास्ट ईयर जो नवनिया का बर्थडे हुआ था उसके पहले, जब वो लोग 4 साल के हुए थे तब एक पिंक कलर का आपने देखा होगा मैंने पहना था ड्रेस, वो है थोड़ा हैवी बट मतलब उसी टाइप का कुछ चाहिए था। तो मैं आज एक ड्रेस लेके आई हूँ, लहंगा टाइप का ही लिया, बहुत हैवी नहीं है बट मैं आपको दिखाऊंगी, नेट का दुपट्टा वाला लहंगा है क्योंकि मैंने अभी उसको ऑर्डर करने के लिए दिया इसीलिए, लेकिन नहीं आई हूँ, शाम में मिल जाएगी। तो क्यों लिया आया था जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़े दिन के बाद बताऊंगी, तो वही है। और बस जल्दी से हम लोग गए, वही एक तो जो हमारे काम कर रही थी वो थी, तो हम लोग गए यहाँ से। दूसरा वो पार्किंग भी नहीं मिल रही थी, जल्दी से अनिमेश ने उसमें लगाया 20 वाला। अनिमेश तो फिर फोन पे लग गया, उनको उनके बॉस का फोन आया तो वो तो पूरा ही भूल गए थे। मेरा जल्दी था कि मैं एक्चुअली 40 दिराम नहीं पे करना चाहती, मतलब मैं ड्रेस लेने आई हूँ यहाँ पे, उसमें 40 दिराम एक्स्ट्रा ऐड कर दो, फिर ऑल्टरनेशन का अलग दो, तो ये मैंने सोचा नहीं 40 दिराम पार्किंग के लिए मतलब नहीं बनता है। और अगर एक घंटे से 5 मिनट भी ज्यादा एक्स्ट्रा हुआ तो वो लोग 40 दिराम्स ले लेंगे, 2 मिनट भी एक्स्ट्रा हुआ तो ले लेंगे, क्योंकि उनका कुछ वैसा कैलकुलेशन के हिसाब से रहता है, पर्ची बना के टाइम के हिसाब से देते हैं। तो मैंने सोचा जल्दी से एक घंटे के अंदर काम निपटाना है। मैं चाहती तो 2-3 दुकान घूम के देख सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ एक दुकान में गई और एक दुकान में ही मैंने 2 से 3 कपड़ा देखा, उसमें से ही मैंने ले लिया, वो बहुत ही लाइट वेट है तो वो ले लो, मैं आपको दिखाती हूँ बाद। और अभी नवनिया स्कूल से नहीं आया है, नवनिया आएंगे तो फिर वो लोग भी पूजा करेंगे, फिर मिलवाती हूँ आपको नवनिया से। नवनिया स्कूल से आ गए और पूजा कर रहे हैं, देखिए। शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभी मैं किचन में आई हूँ, मैं सोच रही हूँ कुछ बना लूँ। एक्चुअली साबूदाना ना मैंने कल रात में ही भिंगो के रख दिया था, कल मैं सिर्फ फ्रूट पे रह गई थी, आज भी दिन में मैंने एक अमरूद और एक केला खाया है और थोड़ा पानी पिया है। तो एक्चुअली कल से अनिमेश जा रहे हैं, कल सुबह वो चले जाएंगे कतार के लिए, तो 2 रात वो है नहीं, तो फिर नवनिया को स्कूल ले जाना, लाना, पूजा करना, बाकी सारी चीजें भी मुझे देखनी है। तो फिर मुझे ये लग रहा है कि तबीयत थोड़ी सी डाउन ना हो जाए क्योंकि थोड़ा तो सर घूम रहा है, तो मैं अभी भी ऐसा नहीं रह नहीं सकती। अगर अनिमेश यहाँ रहते मतलब मुझे अगर बाहर अंदर नहीं करना होता ना तो मैं रह जाती आराम से 1-2 फ्रूट पे, बट अनिमेश जा रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ मैं फिट रहूँ, 2-3 दिन मेरी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए, पूजा में कोई परेशानी बाधा नहीं आनी चाहिए, मैं ये सोच रही हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है साबूदाना मैंने रख दिया था, पहले मैंने सोचा था कि मैं उसकी खीर बना लूंगी लेकिन मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं उसके बड़े बनाऊंगी, वो भी मैं फ्राई नहीं करना चाहती, एयर फ्रायर में बनाऊंगी, देखती हूँ कैसे बनते हैं, मैंने भी पहले कभी नहीं बनाया है, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी। और चटनी नहीं बनाऊंगी क्योंकि चटनी के लिए क्या है, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, मैं अगर हम लोग ऐसे चटनी बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, उसमें लहसुन डालते हैं और तेल डालते हैं थोड़ा, तो अच्छा टेस्ट आता है। अभी वो सब है नहीं तो दही डालूंगी, अगर तो दही मेरा मन नहीं है खाने का, मैं सोच रही हूँ नहीं खाऊं, मतलब अगर टल रहा है तो डालू, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है कि दही नहीं खा सकते, दूध दही तो खा सकते हैं ना व्रत में, लेकिन मेरा मन नहीं है कि मैं यूज करूँ, इसीलिए मैं सिर्फ बड़े बनाऊंगी और कुछ नहीं। और हाँ अभी आज सेकंड पूजा है और मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की है फर्स्ट नवरात्रि डे 1 की पूजा की, तो एक कमेंट आया आप अपना फुल ड्रेस कभी नहीं दिखाते हो और मेकअप करते हुए भी वीडियो नहीं बनाते हो,
तो मैंने उनको ऐसा रिप्लाई दे दिया है, उन्होंने अच्छे सेंस में ही बोला आपको, जो लोग हमें प्यार करते देखना चाहते तो उनको ये भी रहेगा ना कि किसने कौन सी ड्रेस पहनी है, कैसा लुक आ रहा है, उससे भी लोगों को आइडिया मिलता है। मैं इस बात से पूरी तरह से अग्री करती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात बताती हूँ, मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब मेरे दिमाग से निकल जाती है। कल मैंने जैसे वो ऑरेंज वाली ड्रेस पहनी थी तो एकदम से मेरे दिमाग में चीज निकल गई कि मुझे फुल व्यू दिखा देना चाहिए था, एकदम से निकल जाता है। जब आप लोग कमेंट करते हो तब याद आता है, या फिर जब वीडियो एंड हो जाती है तब याद आ जाता है, वो वाली बात है। हालांकि मम्मी जी का जब बर्थडे हुआ था तो मैंने वो वाली ड्रेस पहनी थी, तो उसके थंबनेल में उसकी फोटो है। मैं एकदम से दिखाना भूल जाती हूँ तो बाद में याद आता है, एक साथ बहुत सारी चीजें चलती रहती है दिमाग में तो याद नहीं रहता इतना। दूसरे को अपने हाथ से ऐसे मोबाइल लेकर रिकॉर्ड करी तो उनका फुल लुक आ जाता है, उनका फुल ड्रेस आ जाता है, नवनिया का सबका आ जाता है, मेरा खुद का नहीं आता, वो मैं भूल जाती हूँ। आज भी जो मैंने व्हाइट वाली कुर्ती पहनी थी वो मैंने चेंज कर दिया है, तो उसका भी मैं नहीं दिखा पाई, दिमाग से निकल गया। हालांकि वो मैंने 15 अगस्त में भी पहना था, जब मैं हमारे होम टाउन में थी, 15 अगस्त वाली वीडियो में आप उसको देख सकते हो, फुल लुक के साथ वो वाली ड्रेस की वीडियो है। लास्ट टाइम भी मैंने नवरात्रि पूजा में व्हाइट वाला पहना था, तो अभी तो मैंने चेंज कर दिया, अभी कमेंट आया तो अभी याद आया। ये तो मेरी एकदम सिंपल सी कुर्ती है, ऐसे ट्राइपॉड से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सरोजनी से खरीदा था, ये और इसका पैंट वाला सेट प्लाजो 300 रुपये में, तो वो प्लाजो ना क्या बोलूँ, बैठने पे पूरा फट गई अजीब तरीके से, तो वो है। बट ये कुर्ती ठीक है, तो कुर्ती आज पहन लिया। आज व्हाइट पहनने का दिन था डे सेकंड पे, बट वो मैंने ड्राई वॉश करके आज कपड़े मंगाए थे, धुले हुए कपड़े थे, फिर मैंने पूजा करके मैं मार्केट गई, मैंने आने के बाद चेंज कर दिया, आने के बाद ही मैंने प्रसाद खाया, मैंने उसको जूठा नहीं करना चाहती थी, और व्हाइट थोड़ा भी गंदा लगता था फिर वो दाग छूटती नहीं है, तो मैंने उसको चेंज करके रख दिया, ये वाला पहन लिया। और अभी किचन में आ गई हूँ तो वही बना लेती हूँ, बड़े और बच्चे बाहर में खेल रहे हैं हमारे यहाँ, ये तो इस चीज़ को मैं निगेटिव कमेंट की तरह नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल आपने सही बोला है, लेकिन वही चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाता है। जब आप लोग कभी मैसेज करते हो और रिसेंटली मुझे कहीं जाना होता है या तैयार होती हूँ उस तरह से, तो मैं बिल्कुल दिमाग में रखती हूँ चीज़ के, अब अगर तैयार होंगी ना, अब अगर ऐसा कुछ पहनूंगी या तैयार होंगी अच्छे से तो जरूर दिखाऊंगी। जैसे एक कमेंट आया था अभी थोड़े दिन पहले, उसके बाद फिर मैं 2 बार बाहर गई थी, एक बार रूफ टॉप पे और एक बार और बुर्जवान में गई थी, मैंने व्हाइट वाली जीन्स पहनी थी, एक बार मरून कलर की ड्रेस पहनी, तो मैंने दिखाया था मिरर में फुल व्यू, याद रहती है तो मैं दिखा देती हूँ, वैसे भूल जाती हूँ। और उन्होंने ये भी बोला कि मेकअप आप करते हो तो नहीं दिखाते हो, तो मैं सच्ची बताती हूँ आपको, कैसे समझाऊं मैं, जब मैं नवनिया को तैयार कर देती हूँ बाकी सब कुछ हो जाता है, जब तक मैं अगर सोचूं कि मैं कैमरा सेट करूं जहां पे प्रोडक्ट्स, अब देखो अगर आपको कैमरा के लिए मेकअप करना है तो आप सारा सामान एक साथ रखोगे तभी तो मेकअप करोगे ना, मतलब कितना देर आप कैमरा चला के एक चीज ऐसे निकाल रहे हो, वो मेरा वैसे सामान एक जगह पे ही रहता है, बट फिर भी कैमरा सेट करोगे मेकअप करोगे तो थोड़ा इधर देख के आपको कैमरे पे करना पड़ेगा, तो टाइम लगता है, जहां आप 5-10 मिनट में मेकअप करते हो अपने मिरर में देख के, वहां कैमरा देख के करोगे थोड़ा उस हिसाब से बातें करोगे ना, तो वो आधा क्या एक घंटे लग जाएंगे वो 5-10 मिनट के मेकअप में। मैं जानती हूँ, मैंने वीडियो बनाया भी हुआ है, मुझे पता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी करूँ और निकलूँ वाली बात मेरे साथ हो जाती है। अगर मैं प्रॉपर सेट कर लूँ कि मुझे वही वीडियो बनानी है, तो उसके लिए मैं कैमरा सेट कर लूँ, प्रॉपर मेकअप वाला वीडियो बनाऊँ, तो वो मैं किसी खाली दिन में कर सकती हूँ, लेकिन अगर कहीं जाना है तब उस समय मैं मेकअप कर रही हूँ, तब मैं सोचू कि 5 मिनट में सारा सेटअप करके मैं कर लूँ, वो मेरे साथ हो नहीं पाता। जब तक मैंने कोशिश भी किया, जब करने की कोशिश करती हूँ तब तक जाने का निकल, चलो 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 हो जाता है, सब हो गए तैयार, सब निकल रहा है, टुकड़ा हो ऐसी वाली बात हो जाती है, लेट ही हो जाता है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। सोच के अगर बनाऊं कि हाँ बनाना है वीडियो, मेकअप की वीडियो डालें, तो वैसा बना सकते हैं, वो आपने सही बोला, वैसा कर सकते हैं, बट ऐसे अगर तैयार होके निकलो, गेट रेडी विथ मी में ये सब करो, इसे मेरे साथ नहीं हो पाता। शायद बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए या थोड़ी चीजें ऑर्गेनाइज और ज्यादा हो जाए, इतनी चीजों में इन्वॉल्व ना रहूं घर की चीजों में या बाकी की चीजों में, तो शायद कर पाऊं वैसा गेट रेडी विथ मी, बहुत लोग करते हैं, बट नहीं हो पा रहा अभी मुझसे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं हो पाएगा, बट अभी नहीं हो पा रहा, शायद कोशिश करूंगी तो हो जाए, अभी नहीं हो पा रहा, बस ये चीज है। और ड्रेस का निकल जाता है दिमाग से, बट फिर भी जब दिमाग में आएगा तो कोशिश करके कर दूंगी। रहानी वेश का बात तो उनको कहती तो बोलते हैं मैं नहीं लूंगा मैं नहीं लूंगा, तो फिर बोलोगे ऐसे ठीक नहीं आया वैसे ठीक नहीं आया बाहर में, अब चार लोग उनके साथ उनके फ्रेंड्स है कोई है, तो वहां पे वो नहीं मुझे रिकॉर्ड करेंगे, वो कंफर्टेबल नहीं है, मैं उनको बोलना भी नहीं चाहती हूँ। जिस चीज में इंसान कंफर्टेबल नहीं है उनका अलग नेचर है, तो मैं उनको क्यों डिस्टर्ब करूँ उस चीज के लिए, वो उनका जब खुद मन करता है तो कर देते, तो वो है।
तो चलिए फिर गाइस बातें बहुत हो गई। अभी बना लेती हूँ साबुदाना के बड़े एयर फ्रायर में। आलू मैंने एक आलू उबाल लिया है पहले ही, साबुदाना रात में पानी में भिगो के रख दिया था। चटनी नहीं बनाऊंगी, बस यही बनाने वाली हूँ। अभी मूंगफली रोस्ट कर लेती हूँ ड्राई रोस्ट, फिर बनाते हैं इसको। ये एक कप साबुदाने को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था और आलू भी इसमें उबाल लिया है, एक बड़े साइज के आलू है। तो इसको छील के मैश करके इसमें मिला देती हूँ। ये एक कप साबुदाने में एक बड़े साइज की आलू को मैश करके मैंने मिला दिया है। थोड़े से पीनट्स को ड्राई रोस्ट कर लूंगी। ये मूंगफली को भी ड्राई रोस्ट कर दिया है, फ्लेम बंद कर देती हूँ। ठंडे होने के बाद इसका पाउडर बनाऊंगी। फ्लेम बंद कर दिया मैंने, ठंडी होने के बाद इसका पाउडर बनाऊंगी। अब मैं मिलाऊंगी ये पाउडर इसमें। दरदरा पाउडर ही रखना है, बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक खाते हैं। सेंधा नमक मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ी सी मैं इसमें भुनी हुई जीरा का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, हरी मिर्च भी डाल सकते हो काट के, नींबू का रस भी डाल सकते हो, लेकिन ना मैं हरी मिर्च इसमें डालने वाली हूँ क्योंकि मैं इतना तीखा नहीं खाती। लाल मिर्च पाउडर मुझे नहीं खाना है व्रत में, मैं अवॉइड कर रही हूँ। और नींबू भी मैं नहीं खाना चाहती हूँ व्रत में। और अब मैं इसमें डालूंगी हरी धनिया की पत्ती। अगर आप इसको व्रत में नहीं खाने के लिए, ऐसे ही खाने के लिए बना रहे हो, तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर, नींबू, आमचूर पाउडर, बहुत कुछ डाल सकते हो अपने पसंद के हिसाब से। लेकिन व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए सिर्फ मैंने इतना ही डाला है इसमें। इसको अच्छे से मिला लूंगी। अच्छे से इसको मिला लिया है और इसकी एकदम पतली पतली टिक्कियां बनाऊंगी ताकि एयर फ्रायर में अच्छे से पक जाए। वो तेल में जब हम छानते हैं तो मोटे मोटे टिक्की बनाते हैं, बट एयर फ्रायर में बनाने के लिए इसको पतली पतली टिक्कियां बनाएंगे इसकी। तो टिक्की बना लेती हूँ। एयर फ्रायर को मैं अभी पहले प्री हीट कर लेती हूँ। एयर फ्रायर को मैंने प्री हीट कर लिया है। अब इन वड़ों को इसमें डाल देती हूँ। मैंने एयर फ्रायर पैड पेपर का यूज़ किया है क्योंकि इससे क्या होता है ना, एयर फ्रायर गंदी नहीं होती है तो सही रहता है। सब तो आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। पेपर का यूज़ नहीं करती तो सारे आ जाते हैं, बट अभी देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आ गए। अब मैं इनको जा रही हूँ एयर फ्राई करने। ये डाल दिया, पहले 10 मिनट के लिए ही करती हूँ उसको। बड़ों को एयर फ्रायर में डाल के मैं आ गई हूँ यहाँ पे बैठने के लिए। बच्चे खेल रहे हैं रूम में, मैंने बोला लिविंग रूम में ज्यादा मत खेलो क्योंकि अखंड दीप है और पूजा है, तो थोड़ा भी हाथ लग जाएगा तो हिल जाएगा। मतलब दोनों है ना, भागते दौड़ते रहते, एक किसी को धक्का देते, कुछ हो जाए तो लग जाए, इसलिए मैंने बोला कि ज्यादा यहाँ पे मत रहो, रूम में जाके खेलो। तो दोनों रूम में खेल रहे हैं। अनिमेश अभी गए हैं एक्चुअली डांडिया लाने, हम डांडिया खेलने कहीं जाएंगे, बट अभी नहीं, अनिमेश जब आ जाएंगे उसके बाद और भी कुछ कुछ चीजें होने वाली है, सब आपके साथ शेयर करूंगी। आप तो देखोगे वीडियो में, तो वो है क्योंकि आज ही लाके रखना जरूरी था, इसीलिए वो जिस दिन आएंगे तो फिर लेट हो जाएगा। और भी कुछ कुछ है इसलिए मैंने जो ड्रेस खरीदा वो भी उनको लेना है ऑल्टर करके आज रात में, वो 8 बजे के बाद उन्होंने बुलाया है। फिर कल से चले जाएंगे तो फिर मिलेगी नहीं, उन्होंने भी बोला कि आप ले ही जाइएगा तो भी ले आएंगे। तो बस वही है। तो मैं जाती हूँ, भी देखती हूँ बड़ों को, फिर आपसे मिलती हूँ। 10 मिनट एक तरफ से पक गए, मतलब अभी देखिए थोड़े थोड़े तो पके हैं, 10 मिनट और इनको मतलब पलट के मैं और पकने देती हूँ। टोटल 20 मिनट तक एयर फ्राई हो गए हैं ये बड़े, दोनों तरफ से अच्छे से पक गए हैं, ये बन गए हैं। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। गाइस ये देखिए, ये है साबुदाना के वड़े जो मैंने व्रत में खाने के लिए बनाए हैं। एक बूंद भी तेल नहीं यूज़ किया मैंने एयर फ्राई में बनाया और काफ़ी क्रिस्पी बन के निकले हैं।
तो तेल में छान के खाने से ना बहुत गिल्ट फीलिंग आती है, वही वाली बात है, अंदर से अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा था आज इसी में बनाऊंगी, और जैसा कि मैंने आपको बोला चटनी नहीं बनाऊंगी, तो इसी ऐसे ही मैं खा लूंगी, ऐसे ही अच्छे लगेंगे। सो गाइस, ये साबूदाना के बड़े एयर फ्राई में बन के तैयार है। टोटल 20 मिनट मैंने इनको एयर फ्राई किया, 10 मिनट एक तरफ 10 मिनट इसको दूसरी तरफ से पलट के, काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं। तो अभी जा रही हूँ, मैं तो इतने बना लिए हैं, दो तीन ही खाऊंगी मैं, ज़्यादा मेरा मन नहीं है। अनिमेश तो वही डांडिया लाने गए हैं, अभी तक आए नहीं है। मैंने वैसे आरती कर लिया मैंने और बच्चों ने मिल के, अनिमेश को आने में टाइम लगता। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनिमेश कल जा रहे हैं, तो अनिमेश ने पहले बोला था वो फ्रूट्स खा के ही रहेंगे, मतलब जैसा मैं करूंगी वैसा करेंगे। इनफैक्ट वो तो ये भी बोल रहे थे मैं ये फलहार वाला खाना भी नहीं खाऊंगा, ये बड़े वगैरह या कुछ भी, मैं सिर्फ फ्रूट्स पे रहूंगा, क्योंकि वो फ्रूट्स खा के रह जाते हैं, उनको फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने बोला था। लेकिन ये बीच में कतार जाने वाला प्लान हो गया, फिर उनका वो रह गया, मैंने ही बोला कि नहीं आप छोड़ दो। उन्होंने कल भी मुझे बोला कि रह जाओगे आप फ्रूट्स, मैंने बोला आप ट्रैवल करोगे फ्लाइट में क्या खाओगे, फिर उनको तो ये है कि टाइम से मेडिसिन लेना रहता है, तो वो कुछ ना कुछ खाना है, प्लस उनका हेल्थ इशू भी आपको पता है, तो फिर ऐसे रिस्क नहीं ले सकते बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए एकदम फ्रूट पेरे ऊपर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंने मना कर दिया उनको। तो अनिमेश को ज़्यादातर साग वगैरह ज़्यादा पसंद है, साग और रोटी खा लेते हैं, तो लाल साग रोटी उनको बहुत पसंद है, तो वही बना उनके लिए। बच्चों के लिए एकदम सिंपल सी मटर पनीर बिना कुछ डाल, एकदम हल्दी नमक और जीरा पाउडर धनिया पाउडर डाल के मटर पनीर बनी है, और चावल, तो वो बच्चे खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से उनको कुछ भी खिलाओ, बस थोड़ा बहला फुसला के खिलाना पड़ता है, वो खा लेते हैं। और खुद से उनको खाने के लिए दो तो थोड़ी अच्छी चीज़ें उनके पसंद की हो तो खुद से खाते हैं, वरना ऐसी चीज़ें हो तो थोड़ा आगे पीछे करके खिलाना पड़ता है वो चीज़। कल से दो दिन तक तो ऐसे भी पूजा में आरती में नहीं रहेंगे, क्या कर सकते हैं, काम है तभी सब है, माता रानी तो सब जानती है, माता रानी ने ही ये अवसर प्रदान किया कि चलो बेटा तुम काम करो, काम करोगे तो जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा, तो ठीक है माता रानी जानती है। मैं अपने परिवार की तरफ से हूँ यहाँ पे माता रानी की पूजा करने के लिए, बस बाकी सब ठीक रहे, माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही है। तो अभी ये वीडियो मैं खत्म करती हूँ, ड्रेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी, अगर वो लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, मिलेगी भी कि नहीं पता नहीं, इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ड्रेस और डांडिया वगैरह जो भी लेके आते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाती हूँ। चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। और ये सच में बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं, मतलब ये देखिए आराम से टूट भी गए हैं और अंदर से पके भी हैं पूरे, ऐसा नहीं है नहीं पके हैं, देखिए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से बने हैं बड़े। अगर आप एयर फ्राइड यूज़ करते हो तो ऐसा भी आप बना के खा सकते हो, नहीं तो तवे पे सेक के भी खा सकते हो, छान के भी खा सकते हो, जैसे भी आपको व्रत में खाना पसंद है खाओ बना के। तो मैं जा रही हूँ इसको खाने, तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।